हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, आपका स्वागत है सरोज की किचन कॉर्नर चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन छोटे बच्चे समझते नहीं हैं और वो आइसक्रीम की डिमांड करते रहते हैं सारे दिन। मेरा भी बच्चा पूरे दिन मेरे से आइसक्रीम बोलता रहता है। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ घर के दूध और आटे और चीनी से हम कैसे आइसक्रीम बेस बना के फिर उसको अलग अलग टेस्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं, जिस चाहे उस फ्लेवर में बच्चे को आइसक्रीम आप बना के दे सकते हैं, जो भी घर में अवेलेबल है उसी से। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपना आइसक्रीम का बेस बनाएंगे, जिसके लिए मैंने आधा लीटर दूध यहाँ गर्म चढ़ा दिया है। आधा लीटर दूध ले लें। आधे लीटर दूध में डालने के लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून गेहूँ का आटा, 2 टेबल स्पून गेहूँ का आटा। ये आधे लीटर दूध में से ही मैंने 2 चम्मच जितना बड़ा दूध रखा है, और ये 1.5 कप चीनी है। आप चाहें तो ज़्यादा चीनी भी ले सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से कम मीठा ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। दूध जब हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें आगे का काम करेंगे। ये देखिए दूध गर्म हो गया है। अब हमने जो आटा लिया है गेहूं का आटा, उसमें ये दूध डाल देंगे और इसको धीरे धीरे ऐसे चम्मच से मिला लेंगे कि इसमें कोई लम्स ना पड़े। इस हिसाब से घोल लेंगे, इसको घोल बना लेंगे इसका। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि लॉकडाउन है सबके घर में सब सामान है नहीं, लेकिन गेहूं का आटा तो सभी के घर में होता है, इसीलिए मैं आटे से बना के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए घोल बन गया है। अब आप इसको इसमें ऐसे डाल के मिला लेंगे। इसे पकते हुए आटे को इसमें 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। आप चाहें तो आधा लीटर दूध में 1/2 किलो चीनी भी डाल सकते हैं, ज़्यादा मीठी आइसक्रीम खानी है तो, वरना 1.5 कप भी ठीक है, मीठा हो जाता है। अब चीनी घुलने तक इसको ऐसे ही चलते हुए गर्म करेंगे। ये देखिए चीनी घुल चुकी है। अब इसे हम ठंडा करेंगे और डब्बे में डाल के फ्रीज़र में रख देंगे। ये देखिए ऐसे कोई भी डब्बा ले लें, ढक्कन वाला प्लास्टिक का कोई भी आपके घर में जो भी डब्बा हो उसमें आप इस घोल को रख लीजिए और इसको बंद करके फ्रिज में रख देंगे। जब तक कि ये जमे तब तक हम इसको फ्रिज में रखेंगे, बाद में निकाल के बताती हूँ इसका क्या करना है। ये देखिए हमारे आइसक्रीम का बेस ऐसे जम चुका है। 2-3 घंटे आप फ्रिज में इसको फ्रीज़र में रख देंगे तो ये ऐसे जम जाएगा। अब ये आइसक्रीम का बेस तैयार हुआ है। इसे आप ऐसे बड़े से बाउल में निकाल लीजिए। चाहे तो आप इसे बाउल में निकाल के ऐसे मशीन से बिप कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसे मिक्सी के जार में डाल के और चला सकते हैं, मिक्सी के जार में चला सकते हैं। जो भी घर में अवेलेबल है आप उसी का यूज़ कर सकते हैं। बस इसको हमें ऐसे वापस से मेल्ट करना है मशीन में चला के। अगर मशीन नहीं हो तो आप इसको मिक्सी में भी चला सकते हैं जार में डाल के, जैसे भी इसको। बस हमें वापस से इसका स्मूथ सा एक बैटर तैयार करना है। ये देखिए 2 मिनट जितना बस हमने इसको चलाया, और ये देखिए वापस से पूरा लिक्विड हो गया है। अब हम इसे अलग अलग टेस्ट में बताते हैं कैसे बनाना है। आप ऐसे कोई भी प्लास्टिक के कप्स यूज़ कर सकते हैं, या अपने कॉफ़ी जिसमें हम लोग कॉफ़ी या चाय पीते हैं घर में जो ऐसे कप है वो भी यूज़ कर सकते हैं आइसक्रीम जमाने के लिए। ये अभी आइसक्रीम का बेस तैयार हुआ है हमारा। इसको ऐसे ग्लास में डाल लेंगे। ये हमारे आइसक्रीम के बेस को हमने ऐसे 6 जगह डिवाइड कर लिया है 6 ग्लास में, और इनको हम अलग अलग फ्लेवर में सजाएंगे या मानिए कि टेस्ट में बदलेंगे। ये 2 बिस्किट है टाइगर बिस्किट, जिनको क्रम कर लिया है। आप इसकी जगह ओरियो बिस्किट या कोई भी चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट ले सकते हैं। ये जरा सी डेरी मिल्क है जिसको क्रश कर लिया है। ये चोको चिप्स है, ये पिस्ता और केसर है, ये एक चुटकी कॉफ़ी पाउडर है, और ये थोड़ा सा वैनिला एसेंस है। अब इनके अलावा अगर आपके घर में कुछ नहीं हो तो जैसे आम की प्यूरी आप दे सकते हो, या कलर दे सकते हो, गुलाब जल, गुलाब का टेस्ट आ जाएगा। कोई भी आप इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। कोई भी आपके घर में चॉकलेट आप वो डाल सकते हैं, कोई भी बिस्किट आप वो डाल सकते हैं। बस ऐसे आपको डालना है बेस में।
ये देखिए, ये आपके टाइगर बिस्किट का आइसक्रीम तैयार हो गया है। इसको बस ऐसे मिलाना है, हो गया। ये चॉकलेट, सभी चीज़ों को हम ऐसे ऐसे मिलाएंगे। ये केसर पिस्ता आइसक्रीम हमारी तैयार हो जाएगी। इससे लबबट आइसक्रीम तैयार हो जाएगी हमारी। ये कॉफ़ी, अगर घर में कुछ भी ना हो तो आप कॉफ़ी डाल के भी आइसक्रीम बना सकते हैं, कॉफ़ी का टेस्ट भी अच्छा लगता है। वेनिला एसेंस सिर्फ 2 बूंद डालेंगे बस। कॉफ़ी को डाल के मिक्स कर लें, कलर आता है क्या, ज़्यादा नहीं डालें, कॉफ़ी कड़वी होती है। आप कोको पाउडर, चॉकलेट पाउडर और कुछ नहीं तो घर में बच्चों का पीने का बॉर्नविटा वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए, अब इन सबको हम ऐसे अच्छे से मिला के इनको एल्युमिनियम फॉइल के टुकड़े ले लें और इनको कवर करें। और एल्युमिनियम फॉइल ना हो तो आप इनके ऊपर कोई भी ऐसे प्लास्टिक लगा के और फिर उसके ऊपर रबड़ लगा के ढक्कन जैसा बना के भी आप इसको फ्रीज़र में जमा सकते हैं। अब इनको 3 से 4 घंटे तक हम फ्रीज़र में रख देंगे और फिर 3-4 घंटे बाद में निकाल के देखेंगे जम गए कि नहीं। ये देखिए, हमारी सारी आइसक्रीम जम चुकी है। ये देखें, ये अभी मैंने चेक की थी निकाल के, बहुत ही बढ़िया। ये केसर पिस्ता है, ये लवबर्ड आइसक्रीम है, ये वनीला आइसक्रीम है, ये कॉफ़ी आइसक्रीम है, ये चॉकलेट आइसक्रीम है हमारी, और ये जो हमने बिस्किट से बनाई थी वो आइसक्रीम है। आप कोई भी फ्लेवर से अपने घर में आइसक्रीम बनाइए और इस लॉकडाउन में घर की बनी हुई हेल्दी एंड टेस्टी आइसक्रीम अपने बच्चों को खिलाइए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।